इसमें पॉइंट है हाउ माइक्रोब्स इफेक्ट द ह्यूमंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हमें ना जो माइक्रोबायोलॉजी की बुनियाद है उस वो यही बुनियाद है कि ये वाले जो माइक्रोब्स हैं ये इंसानों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इंसानों के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। क्योंकि हमें जो भी डिज़ीज़ होती है ना वो डिज़ीज़ ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से हो रही है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि ये वाले जो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे ऊपर कैसे अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इनको ट्रीट करने में, इनको मैनेज करने में, इनको कंट्रोल करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस ये वाले जो फील्ड है इसमें ये माइक्रोबायोलॉजी बहुत काम कर रही है। और उसके बाद अब देखें ये जो माइक्रोब्स हैं आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में ये बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रेड वगैरह हो गई और दूसरे जो शराब के जो कारखाने जहाँ पर शराब बनती है तो वहाँ पे ये फर्मेंटेशन का अमल यूज़ होता है। ठीक हो गया। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसका दूसरा नाम एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और फर्मेंटेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, दूसरे को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये सारा काम इंडस्ट्रीज लेवल पर हो रहा है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता ये है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है कि ये वाले जो माइक्रो ये वाले जो बैक्टीरिया फंजाई हैं ये दोनों फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं और ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज को एथानॉल में कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो हमारे अंदर हो रही है, जिस तरह हम ये ज़्यादा भाग लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके रिजल्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी क्या बनाना शुरू करती है, लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर, जिसमें कहते हैं खलियाँ पड़ गई हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं ऐसा ऐसा, फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो ये वाली जो फर्मेंटेशन है ये इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ हो रही है। तो माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो बच्चे हैं इन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, उनको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है माइक्रोब्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखें जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें मेडिसन बन रही हैं, अब जितनी भी मेडिसन बन रही हैं उनकी बेस ये माइक्रोबायोलॉजी है। अब देखें सबसे पहले हमने एक हार्मोन बनाया था जिसको हमने इंसुलिन कहा था। तो इससे पहले इंसुलिन पैंक्रियाज में बनता है और वो हम जो सुअर होता था पिग उसके पैंक्रियाज से हम इंसुलिन लेते तो बहुत एक्सपेंसिव इंसुलिन, बहुत महंगे, बहुत पैसे लगते थे इसके ऊपर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बनवा रहे हैं। ठीक हो गया। और बैक्टीरिया से जो इंसुलिन बन रही है वो बड़ी सस्ती है। अब देखें जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जितनी मेडिसन्स हैं, ठीक है, जिस तरह ये पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन, तो ये भी हमने पहली फंजाई से बनाई थी। ठीक है। तो आप कह सकते हैं जितनी भी मेडिसन्स बन रही हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं, वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बन रही हैं। तो आप माइक्रोबायोलॉजी के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद देखें हम जो मेडिसन बनवाते हैं या तो वो एंटीसेप्टिक्स होती हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं जरासीम को, जो जरासीम को मारती हैं, जिस तरह हम आयोडीन हम यूज़ करते हैं जरासीम को मारने के लिए, हम टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी एंटीसेप्टिक्स हैं। और फिर डिसइंफेक्टेंट्स, ये जो हम अपने घरों में जो हमारे वाशरूम्स होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं उनको सफाई करने के लिए हम डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे डिसइंफेक्टेंट हैं। और थर्ड हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स तो आज बाज़ार में हज़ारों की तादाद में अवेलेबल है, उनकी तो कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, कितनी टाइप्स की एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। और सबसे पहली एंटीबायोटिक हमने पेनिसिलिन कहा था वो बनाई गई थी। तो अब देखें एंटीसेप्टिक्स या डिसइंफेक्टेंट्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी किससे बन रही हैं, ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब के लिए जा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ अगर हम इसका स्कोप देखें, फिजिकल मेथड टू स्टीराइल द प्रोडक्ट्स। अब देखें जब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया हमारे अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं। ठीक हो गया। तो इनको कंट्रोल करना लाजमी है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया मर जाते हैं, या दूसरा हम ये स्टीम यूज़ करते हैं जो भाप होती है उससे मर सकते हैं, या ये हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं कि पोर्सलिन फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं, पोर्सलिन फ़िल्टर में से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, वायरस गुजर जाते हैं। तो आपके पास जितने भी ये लिक्विड चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स हैं या दूसरी लिक्विड मेडिसन्स हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन की फॉर्म में होती हैं,
तो उसको स्टीराइल करना, स्टीराइल कहते हैं जरासीम से पाक करना है। तो जरासीम से पाक करने के लिए आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है, या उसको भाप देंगे, या उसको हम फिल्ट्रेशन से गुजारेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में आप बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी फील्ड है। उसके बाद लास्ट पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो लोग माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। हैव डिस्कवर्ड वैक्सीन, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे पास पहले बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ थी, जिस तरह स्मॉल पॉक्स थी। स्मॉल पॉक्स ने तो दुनिया में तबाही मचाई हुई थी, बड़े लोग इससे मरे थे, ठीक है। इसमें पूरी बॉडी को दाने से निकल आते थे और उसमें पस पड़ जाती, लोग इससे मर जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके खिलाफ वैक्सीन 1796 में इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई थी, जो एडवर्ड जैनर था उसने बनाई थी। उसके बाद देखें पोलियो है, तो पोलियो के कतरे अभी बच्चे पीते हैं, तो जो बच्चे कतरे पी रहे हैं वो सारी पोलियो की वैक्सीन है, ठीक हो गया। और फिर बहुत सारी ड्रग्स हैं लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जो हमने बनाई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब देखें जितनी भी वैक्सीन है, जितनी भी मेडिसन हैं, ये हम क्यों बना रहे हैं, हम ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो बीमारियाँ उनको हम ठीक कर सकें, ठीक है। तो अब देखें जितनी भी वैक्सीन है, जितनी भी ड्रग्स हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बन रही हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही हैं। अब देखें जो स्मॉल पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स एक डीएनए वायरस है, तो हम इसी वायरस से हम वैक्सीन बना रहे हैं। और पोलियो, पोलियो भी एक वायरस है, इसी वायरस से हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो वायरस की स्टडी किस में आती है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये वैक्सीन का जो बनना है, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं। और लास्ट पे दे हैव आल्सो डिस्कवर्ड सम विटामिंस एंड बेसिक फूड मटेरियल्स। अब देखें बहुत सारे विटामिंस हैं जो हमारे फूड में इस्तेमाल होते हैं, या अपनी बॉडी के अंदर देखें, हमारी बॉडी विटामिन के बनता है और विटामिन के हमारी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको रोकता है। तो विटामिन के हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं, या बाकी हमारी फूड की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कहाँ से बनवा रहे हैं, बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं। तो ये सारा माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है। अच्छा, लास्ट पे हमने ये बात करनी है कि हम माइक्रोबायोलॉजी में आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, कि फ्यूचर में आपके लिए इसमें कौन कौन से फील्ड हैं। तो इसमें देखिएगा, अगर हम फ्यूचर की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी इन हेरिडिटी। अब देखें जो भी बीमारी होती है ना, तो अब वो बीमारी हो रही है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, तो अगर हमें ये पता चल जाए, अब देखें बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, ठीक है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, और वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बड़ा जो बैक्टीरिया और वायरस, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, इसके अंदर कौन सा जीन है जो आगे हमारे अंदर डिजीज़ पैदा कर रहा है, तो हम क्या करें, हम उस बैक्टीरिया और उस वायरस से वो जीन ही निकाल दें या वो प्रोटीन ही निकाल दें। तो अगर हम वो प्रोटीन निकाल देंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस तो कभी डिजीज़ पैदा कर ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो मेडिसन के ऊपर जो काम हो रहा है ना, या जो हम ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अब काम इस पे ऊपर हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इसको क्रिस्पर कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके रिजल्ट में आप किसी भी जो पैथोजिन, इनको पैथोजिन कहते हैं बैक्टीरिया वायरस को जो डिजीज़ पैदा करते हैं, तो इनका जो जो जितना भी डीएनए है या जितना भी उनके जीन्स, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें चेंज लाएंगे तो आगे वो डिजीज़ पैदा करने का काबिल ही नहीं रहेंगे, तो ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद द बायोलॉजिस्ट में यूज़ माइक्रोब्स एज पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड फॉर द स्पेस ट्रेवल। अब देखें जो लोग स्पेस पे जाते हैं, ठीक है, खला में जाते हैं, किसी दूसरे सियारे पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो इतनी मकदार में, वहाँ पे उनको महीनों के तौर पे रहना पड़ जाता है, महीने वहाँ पे गुजर जाते हैं, तो अब वो इतनी ज़्यादा फूड अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर वहाँ पे वो फूड लेने के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे ना एक अमल होता है, उस पानी को तोड़ा जाता है और पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है, और फिर हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ में पैदा किए जाते हैं, और इस बैक्टीरिया में हमारे पास एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, मिथाइलोकोकस, ये मिथाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया में देखें 52% प्रोटीन होती है और 30% इसमें फैट होती है। तब देखें वो वाले जो लोग स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, जिनको हम खलाबाज कहते हैं, तो वो ये बैक्टीरिया को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं, तो वो इन बैक्टीरिया को वहाँ पे खा रहे हैं, उनसे इनको देखें प्रोटीन भी मिल रही है और फैट भी मिल रही है, ठीक हो गया। तो ये भी आगे माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर में आ रहा है। और उसके बाद देखिएगा जितने भी आपके पास देखें फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारा इलाज कर रहे हैं, नीड नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट द डिजीज़। तो इन डॉक्टर्स के पास भी माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि आपको जो बीमारी हुई है इसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया है, और फिर वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कैसे गया है और कैसे जाके उसने आपकी बॉडी में डिजीज़ पैदा की है। अगर डॉक्टर को इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो वो आसानी से आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। और लास्ट पे है, ये देखें जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारी ज़मीन को स्टडी करते हैं और ज़मीन से कहाँ से तेल निकलता है या कहाँ से निकल सकता है,
ठीक है, उसके सोर्सेज को तलाश करने के लिए वो बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करती हैं, हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं, और ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जहाँ पे तेल की मतलब आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे गैस अब लगाते हैं कि यहाँ पे तेल है, तो वहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अगर बैक्टीरिया वहाँ पे हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर दें तो ये निशानदेही होती है कि यहाँ पे तेल मौजूद है। तो ये हमारा जो लेक्चर था, ये माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप और आगे इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है इसके ऊपर है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था माइक्रोबायोलॉजी का। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।